नमस्कार मित्रों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो लिखित परीक्षा होनी है उसकी विषय वस्तु SCERT द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दी गई है, जो 28 अक्टूबर 2017 को आई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उस विषय वस्तु में क्या क्या सिलेबस है जिस पर शिक्षक भर्ती होनी है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो आराम से आसानी से एक जगह मिल जाएं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या सिलेबस है। दोस्तों, ये बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय, सचिव कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें विषय वस्तु दी गई है। दोस्तों, इसमें परीक्षा का समय 3 घंटा है, जबकि पहले की विज्ञप्ति में 2.5 घंटे थी। पूर्णांक 150, प्रश्नों की संख्या 150, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पे एक अंक होंगे। प्रश्न का प्रकार अति लघु है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियो में बताया था कि SCERT को डाइट ने सुझाव दिया है कि प्रश्न अति उत्तर ही रखे जाएं, क्योंकि दीर्घ और लघु उत्तरी प्रश्न इतने सीमित समय में दे पाने संभव नहीं है। दोस्तों, इसमें विषय वस्तु का जो स्तर दिखा रहा है वो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का कक्षा 12 तक का स्तर है, जबकि शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति का जो स्तर रहेगा पाठ्यक्रम का, DLED का रहेगा। दोस्तों, आइए देखते हैं विषय वस्तु। हिंदी तथा अंग्रेजी जो भाषा है उसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन 40 नंबर का रहेगा। और विज्ञान में आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्रकृति, संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु 10 नंबर के रहेंगे। मित्रों, गणित 20 अंक के रहेंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10, शिक्षण कौशल 10, बाल मनोविज्ञान 10 और सामान्य ज्ञान भी 30 नंबर का है। तो आइए गणित से देखते हैं। गणित में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन अनुपात, सर्वसमिकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जो कि सब 10 अंक के होंगे। शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, बाल मनोविज्ञान में वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों की विशेष व्यवस्था 10 अंक के हैं। आगे मित्रों, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं में समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि
तार्किक ज्ञान में एनालॉजीज असर्शन एंड रीजन बाइनरी लॉजिक क्लासिफिकेशन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स कोडेड इनइक्वालिटीज कोडिंग डिकोडिंग क्रिटिकल रीजनिंग क्यूब्स एंड डाइस डाटा इंटरप्रिटेशंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट ग्रुपिंग एंड सेलेक्शंस इन्फ्रेंसेज लेटर्स सीरीज नंबर सीरीज पजल्स सिंबल्स नोटेशंस वेन डायग्राम्स। सूचना एवं तकनीक में शिक्षण कौशल विकास कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र क्षेत्र में सूचना तकनीकी कंप्यूटर इंटरनेट स्मार्टफोन OER शिक्षण में उपयोगी एप्स डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति में व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता अनुश्रवणकर्ता नेतृत्वकर्ता मार्गदर्शक परामर्शदाता संवैधानिक और मानवीय मूल्य दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी उपयोग। दोस्तों ये पूरा आपका सिलेबस रहा है। सामान्य ज्ञान 30 अंक तार्किक ज्ञान 5 अंक सूचना 5 अंक और कौशल जो टीचिंग टेक्निक और कौशल है सब 10 मार्क के हैं। दोस्तों ये पूरा सिलेबस रहा है। मित्रों समस्या ये आ रही है कि इसमें गणित और विज्ञान का कक्षा 12 स्तर का है जबकि पिछले सिलेबस जो जारी किया गया था उसमें DLED स्तर का था। दोस्तों ये त्रुटिपूर्ण लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें विज्ञान और गणित के सिलेबस में तो कहीं भी इंटर स्तर का नहीं लग रहा है और हो सकता है त्रुटि हो या अगर इस संबंध में आप लोग चाहें तो एक आप लोग प्रतिनिधिमंडल अपना सचिव से मुलाकात के लिए भेज सकते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि विज्ञान गणित का स्तर क्या 12 का है या नहीं। एक समस्या और आती है प्रश्न का प्रकार अति लघु है। अब अति लघु में चूंकि 20 शब्दों में जवाब देने थे अर्थात 2 से 3 पंक्तियां तो क्या ऑब्जेक्टिव आएगा या कुछ लिखना पड़ेगा ये भी स्पष्ट हो सकता है कुछ दिनों में जब विज्ञप्ति जारी हो इसकी तो स्पष्ट हो जाए। तो दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस रहा है। एक बार पुराना सिलेबस भी थोड़ा देख लीजिए। मित्रों ये पुराना जो विषय वस्तु जारी किया गया था आप अंतर देख सकते हैं। इसमें लघु और निबंधात्मक हटा दिए गए हैं सिर्फ अति लघु है जो 20 अंक का है और 2.5 घंटे समय बता रहा है। यहाँ इंटरमीडिएट स्तर पे विज्ञान और DLED पाठ्यक्रम के अनुसार है बाकी इंटरमीडिएट स्तर के हैं। DLED पाठ्यक्रम के अनुसार BA विज्ञान और गणित आपके होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुराना सिलेबस है। ये पुराना सिलेबस का दूसरा भाग था। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। मित्रों ये सिलेबस रहा है। आगे जैसे जैसे परिवर्तन या अपडेट्स आपको आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे तथा उनका उन पर विश्लेषण भी जारी रहेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो अन्य वीडियो सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से सभी वीडियो मिल सकें और जितनी भी अच्छी जानकारी आप तक होंगी पहुंचाई जाएंगी। दोस्तों बराबर जुड़े रहें अगले वीडियो तक। नमस्कार और धन्यवाद।